सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बना सकते हैं, और वो भी घर में रखी हुई कुछ बेसिक सी 2 से 3 चीज़ों से। तो फटाफट से अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट बनाना हो या तो बच्चों का टिफ़िन, तो ये वाली रेसिपी बहुत ही काम की है, इसे सेव ज़रूर करके रखें। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसमें बहुत ही कम तेल मसाले यूज़ होते हैं, तो एक बार तो इसे बनाना बनता है। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से बनने वाला ये नाश्ता। तो सबसे पहले एक नए तरीके की ग्रीन चटनी बना लेते हैं, जो इस नाश्ते में भी यूज़ होगी, और इसके साथ आप इस नाश्ते को सर्व भी कर सकते हैं। तो एक चटनी के जार में एक मुट्ठी भर के हम धनिया डालेंगे, 3 से 4 थोड़ी सी तीखी वाली हरी मिर्च लेंगे, 2 कली लहसुन की, और साथ में ही डालेंगे अमरूद। तो अमरूद का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो हम थोड़ा सा काट लेंगे। अमरूद जो है आपने यहाँ पे थोड़ा कच्चा वाला लेना है, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना है। और इसकी जो बीज है ना, वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी 3 स्लाइस मैंने इसमें अमरूद की डाली है। आधा नींबू का रस इसमें डालेंगे, ये गया इसमें स्वादानुसार नमक, और 2 बर्फ के क्यूब्स डालेंगे। और बस अब इसे हम पीस लेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, हमने जो इसमें 2 बर्फ के क्यूब्स डाले हैं, इसी से ही ना चटनी, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और इसके अंदर हमने जो अमरूद डाला है ना, उसकी वजह से चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, हमारी चटनी तैयार हो गई है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखो, बस बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ये मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है, और अब एक ग्रेटर लेंगे और उसकी जो मोटी वाली साइड है उससे हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू को हाथ से मैश ना करें, इसी तरीके से ग्रेटर से करें। ये मैंने प्रोसेस चीज़ का एक क्यूब लिया है, इसको भी हम इसके अंदर ग्रेट कर लेंगे। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे, और अब हमने जो चटनी बना के रखी थी उसमें से 2 चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे चटनी। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आपने बिल्कुल संभल के डालना है, क्योंकि चटनी में भी है और चीज़ में भी नमक होता है। अब एक कांटा चम्मच की मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हो सके तो आप यहाँ पे कांटा चम्मच से ही इसको मिक्स करें, हाथ से बिल्कुल ना करें, क्योंकि हाथ से मिक्स करेंगे ना तो एकदम पूरा वो लसलसा चिकना सा हो जाएगा, क्योंकि आलू और चीज़ दोनों ही वैसे होते हैं। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे। लार्ज साइज़ वाली मैंने यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस ली है, तो इसको हम एक प्लेट में रखेंगे। फिर लेंगे एक स्टील की कटोरी, और कटोरी को एकदम सेंटर में रखेंगे इसके, और इस तरीके से ये ब्रेड का एक राउंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ना आप जो लार्ज साइज़ वाली ब्रेड आती है ना, वो लें, जो सैंडविच वाली बड़ी वाली आती है वो। अगर छोटी वाली लेंगे ना तो बहुत छोटे छोटे पोर्शन बनेंगे। तो ये जो लार्ज साइज़ है ना, ये एकदम परफेक्ट है इस नाश्ते के लिए। अगर नहीं हो तो छोटी वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये 4 राउंड इसके निकाल लिए हैं। अब राउंड निकालने के बाद ये जो रिंग बचती है ना, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से ना मैं एक बहुत ही बेहतरीन नया सा एक नाश्ता बनाने वाली हूँ, और उसकी रेसिपी ना मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने ये जो 4 राउंड निकाल के रखे हैं, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम बटर लगा देंगे। बटर आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं, और हाँ, चाहें तो आप यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 सर्कल्स पे ये बटर लगा दिया है, और अब हमने जो ये चीज़ और आलू वाला स्टफिंग बना के रखा था ना, इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और इस सर्कल के ऊपर रखेंगे। तो ये एक सर्कल पे एक मोटी सी लेयर हम स्टफिंग की बना देंगे, और ये जो हमारा स्टफिंग है ना, आपने देखा इसमें कोई भी तेल मसाला कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसको बनाते बनाते ना मैं 1-2 चम्मच स्टफिंग ऐसे ही खा गई, और फिर भी ना मुझे लग रहा था कि मैं और ज़्यादा खा लूँ, पर क्योंकि इस रेसिपी को बनाना था तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया, और फाइनली ये रेसिपी आपके सामने है। तो ये दोनों सर्कल पे स्टफिंग की एक मोटी सी लेयर मैंने बना दी है, और बाकी के जो 2 सर्कल बचे हैं इसको हम इसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे। तो इस तरह सैंडविच की तरह हमें इसको बना लेना है। और ये देखिए, ऑलमोस्ट जो ब्रेड का स्लाइस है उसी के जितना मैंने स्टफिंग का भी लेयर बनाया है। अब इसकी ऊपर की साइड पे फिर से हम बटर लगा देंगे। अब ये ऑलमोस्ट तैयार है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम ना इसको तवे पे सेकेंगे। तो जो ऊपर की साइड में हमने बटर लगाया था,
जब तवे में डालेंगे तो उसको हम नीचे रखेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को एकदम कम रखेंगे और उसकी जो दूसरी साइड है उस पर भी हम बटर लगा देंगे। अगेन आप यहाँ पे बटर के बदले घी भी लगा सकते हैं। तो अब इसको कम आंच पे थोड़ी देर के लिए हम सेकेंगे, जब तक कि जो नीचे की साइड है वो अच्छे से हल्की सी सुनहरी ना हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद इसको अब हम पलट देंगे। तो बहुत ही केयरफुली आप इसको पलटें और ये देखिए इसके ऊपर जो कलर है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसका कलर आना चाहिए। तो इनको पलटने के बाद एक पलटे से थोड़ा थोड़ा इसको हम दबाएंगे ताकि इसकी जो नीचे की साइड है ना वो भी अच्छे से सिक जाए और उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद इसकी नीचे की साइड भी पक गई है। तो ये देखिए इसका जो कलर है ना बहुत ही अच्छे से आया है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में ले लेंगे। अब अगेन आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, एक चाकू से इसको दो टुकड़ों में हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप इसको करें क्योंकि जो स्टफिंग है ना वो बाहर निकल जाएगी वरना, और जो चाकू है ना वो एकदम शार्प होना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों सर्कल्स को बीच में से काट लेना है। तो अब एक टुकड़ा लेंगे और इसकी जो किनारी है इसके ऊपर लगाएंगे हम टोमेटो केचप। तो इसकी जो किनारी है उसमें पूरा हम टोमेटो केचप लगा देंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद जो बेसन की सेव आती है ना नमकीन वाली, उसको हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। और ये देखिए दिखने में ना ये एकदम टाकू की तरह दिख रहा है। उसी तरीके से दूसरा टुकड़ा लेंगे और सेम तरीके से इसके ऊपर केचप लगाएंगे किनारी पे, और ऊपर थोड़ी थोड़ी बेसन की सेव लगा देंगे। और इसी तरीके से बाकी सबको भी हम तैयार कर लेंगे और अब ले लेंगे हम इनको सर्विंग प्लेट में। तो देखा आपने, इसके अंदर तेल मसाला ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। और जब आप इसका एक बाइट लेंगे ना, तो जो खट्टा मीठा तीखा जो फ्लेवर आपके मुंह में बस्ट करेगा ना, मैं क्या बताऊँ। बस एक ही बात कहूँगी कि इसे आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर बहुत ही अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।